अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूनिक सी रेसिपी, चिकन कुल्फी स्टिक्स। ये बनाने में जितनी आसान है, खाने में उतनी ही मज़ेदार है। इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे, तो चलें देखते हैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे और ये कैसे बनते हैं। सबसे पहले एक बाउल में 6 बॉयल पोटैटोज लेंगे और इन्हें पोटैटो मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। पोटैटोस को 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पोटैटोस अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। अब इनको हम साइड पर रख लेंगे। सबसे पहले एक चॉपर देंगे। यहाँ पर मैंने छोटे क्यूब्स में 300 ग्राम चिकन दिया, एक मीडियम साइज का रफली कट किया होगा ऑनियन ऐड करेंगे, उसके बाद 2 ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे, गार्लिक पाउडर 1/2 टेबलस्पून ऐड करेंगे, सॉल्ट 1.5 टेबलस्पून ऐड करेंगे। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साबुत जीरा 1 टेबलस्पून, वाइट पेपर 1/2 टेबलस्पून ऐड करेंगे, उसके बाद सिरका 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे, सोया सॉस 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। उसके बाद 2 ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे और इनके छोटे छोटे पीसेस करके इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। इसके साथ थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर ऐड करेंगे। बस यही सिंपल से मसाले इसमें ऐड होंगे। उसके बाद इन्हें अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। हमें तब तक चॉप करना है जब तक हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाते। यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से चॉप हो चुकी हैं। अब जो पोटैटो हमने मैश करके रखे थे, इस मिक्सचर को उसमें डाल देंगे। थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर और ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तब तक मिक्स करेंगे जब तक पोटैटोज और चिकन का ये मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाते। यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे। थोड़ा सा बैटर लेंगे और इस मिक्सचर को बैम्बू स्टिक्स पर लगा देंगे और इन्हें आइसक्रीम की शेप दे लेंगे। सेम इसी प्रोसीजर से हम बाकी की सारी स्टिक्स भी रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हमारी सारी स्टिक्स रेडी हो चुकी हैं। अब इन्हें सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख देंगे। तब तक हम इनकी कोटिंग रेडी कर लेते हैं। कोटिंग के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 एग्स लिए हैं। इनमें थोड़ा सा फ्रेश मिल्क ऐड करेंगे और इन्हें अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इसके बाद हमें कोटिंग के लिए ब्रेड क्रम्स चाहिए। अब सबसे पहले एक स्टिक लेंगे और इसे एग बैटर में डिप करेंगे। एग बैटर में कोट करने के बाद हम इन्हें ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। सेम इसी प्रोसीजर से हम बाकी के स्टिक्स को पहले एग बैटर में कोट करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। यहाँ पर हमारी सारी स्टिक्स रेडी हो चुकी हैं। कोट करने के बाद आप इन्हें फ्रीज करके भी रख सकते हैं। तो चलें अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले एक पैन में ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और एक एक करके ये स्टिक्स इसमें डाल देंगे।
इन स्टिक्स को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। जब एक साइड से हमारी स्टिक्स गोल्डन ब्राउन हो जाएं, तो हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। जब दोनों साइड से हमारी स्टिक्स गोल्डन ब्राउन हो जाएं, तो हम इन्हें निकाल लेंगे। लीजिए, हमारी मज़ेदार सी चिकन कुल्फी स्टिक्स रेडी हो चुकी हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर कर दिया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।